नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं युवा उद्यमी योजना के बारे में, जिसके तहत अगर आप यहां पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको यहां पर जो है 10 लाख रुपए तक का आपको यहां पर जो है लोन देती है, जिसमें से आपको यहां पर जो है 50% ही वापस करने होते हैं, यानी कि 10 लाख में से आपको यहां पर जो है 5 लाख ही आपको यहां पर जो है चुकाने पड़ते हैं। सो इस तरीके से यहां पर जो पोर्टल को चालू किया गया है और इनका यहां पर जो है जल्दी यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। यहां पर नीचे आएंगे तो इनकी वेबसाइट यहां पर देखिए बताया गया है पंजीकरण अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन करने यानी कि पंजीकरण तिथि यहां पर जो घोषित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उनके बारे में यहां पर बता दिया गया है, क्योंकि यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करते समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना होगा, उद्यमी यहां पर देख पा रहे कि .bihar.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। और मैं बता दूं कि हो सकता है आपको 2-3 दिनों में या फिर 1 सप्ताह में यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, उससे पहले आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो इस तरीके से यहां पर जो पोर्टल खुल करके आ जाता है, यहां पर देख पा रहे कि इस तरीके से पूरा डिटेल दिया गया है और यहां पर आप कितने टाइप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए उसके लिए परियोजना की सूची दिया हुआ है। इस वाले ऑप्शन पर अगर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो कितने टाइप का आप यहां पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उनका पूरा डिटेल यहां पर आ जाएगा। जैसे कि यहां पर देख पा रहे अगरबत्ती उत्पादन योजना, बहुत सारे यहां पर दिए हुए, आचार मुरब्बा उत्पादन, तो बहुत सारे दिए हुए, आप इनको अपने अनुसार इनको यहां पर पढ़ सकते हैं। दूसरे वाले पर क्लिक करेंगे, लगभग यहां पर 100 से अधिक यहां पर बिजनेस यहां पर टाइप दिए हुए, आइडियाज दिए हुए कि आप इन इन टाइप का आप यहां पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो चलिए सीधा बताते हैं कि आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। यहां पर नोडल अधिकारी का भी यहां पर दिया हुआ है, संपर्क करने के वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, कोई भी जानकारी लेना चाहे आप यहां पर बेझिझक कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं इनका। लेकिन यहां पर देखिए टाइमिंग दिया हुआ, आप इतने ही टाइम पर आप इनको कॉल करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए उपयोगकर्ता पुस्तिका वाला ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए एक नोडल तरीके से यहां पर यानी कि एक डेमो टाइप से बताया गया कि इस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। तो यहां पर उपयोगकर्ता पुस्तिका डाउनलोड करने वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ टाइप से आप यहां पर डाउनलोड हो जाएगा। तो ये एक तरीके का यूजर मैनुअल है, यहां पर पूरी जानकारी दी गई है कि आपको यहां पर किस तरीके से फॉर्म भरना होगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल प्रक्रिया है, आपको क्या करना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम डालेंगे, मद नेम और यहां पर अंतिम नेम डालेंगे, एक ईमेल आईडी देंगे, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपका वही वाला देना है जो आपके आधार कार्ड में लिंक है, तो वही वाला आप यहां पर मोबाइल नंबर डालेंगे ताकि ओटीपी जा पाए। आधार नंबर अपना यहां पर डालेंगे और यहां पर अपना आवेदन का प्रकार डालेंगे, यानी कि अनुसूचित जाति कौन से जाति से आते हैं या कौन सा लेना चाहते हैं, जैसे युवा उद्यमी हो गया, महिला उद्यमी, तो यहां पर ज्यादातर जो जोर दिया जा रहा है वो महिला उद्यमी को दिया जा रहा है, यहां पर युवा भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उनके बाद ओटीपी प्राप्त करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी यहां पर डाल देंगे। सत्यापन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन अब हो चुका, अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए जो आपका आधार नंबर होगा वो आधार नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पर देख पा रहे कि मेल आईडी पर आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड डाल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। उनके बाद यहाँ पर देखिए इस टैब से खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म अच्छी तरीके से भरना होगा। पहले में आप यहाँ पर डालेंगे व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा का डिटेल देना है, पारिवारिक विवरण, संगठन का विवरण, परियोजना का विवरण, वित्त विवरण, बैंक डिटेल, इस तरीके से आपको पूरा भरना होगा। उनके बाद दस्तावेज अपलोड करेंगे, सेटिंग, उनके बाद सबमिट, इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म भरना होगा। तो व्यक्तिगत विवरण में क्या करना होगा, आपका जो भी यहां पर व्यक्ति का डिटेल होगा वो आपको यहां पर डालना होगा, जैसे कि आवेदककर्ता का जो भी नाम है, मद नेम, मिडिल नेम यहां पर डालेंगे, लिंग डालेंगे, स्त्री पुरुष, जन्म तिथि अपना डालेंगे यानी कि डेट ऑफ बर्थ, यहां पर माता पिता या फिर पति का नाम आप यहां पर डाल सकते हैं, वैवाहिक स्थिति डालेंगे यानी कि शादीशुदा है या फिर नहीं है, और यहाँ पर पता जो भी है अपना पूरा एड्रेस डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर हमने बताया जो आपका आधार कार्ड में लिंक है वही वाला मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म भरना होगा। और आवेदन का प्रकार, तो यहाँ पर जो भी आप लेना चाहते हैं, जैसे कि युवा उद्यमी लेंगे तो उस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उनके बाद जो भी आपका जाति होगा, कास्ट होगा, अपने जाति को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उनके बाद जो भी आपकी शैक्षिक योग्यता होगी, जो भी है आप यहाँ पर अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा।
उनके बाद नीचे आएंगे तो अब देखिए शिक्षा का विवरण वाला ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ पर जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर डालेंगे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देखिए इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। तो आप जैसे कि कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई किया है वो बोर्ड संस्था का नाम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, आपने कब पास किया वो पास करने का साल डालेंगे, विषय डालेंगे, जुड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर नीचे भी जितना भी डालेंगे आपको यहाँ पर ऐड करते जाना है, इस तरीके से डाल देंगे। उनके बाद यहाँ पर पारिवारिक विवरण आता है जिनमें यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर किस टाइप का यहाँ पर आवेदक का यानी कि व्यवसाय है, जैसे कि आप यहाँ पर मजदूरी करते हैं, स्वरोजगार है, कृषि है, बेरोजगार, जो भी आप अपने यहाँ पर अपना यानी कि पेशा को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय डालेंगे। आवेदक का देख पा रहे कि व्यवसाय का आय कितना है वो डालेंगे। मुख्य पारिवारिक व्यवस्था क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे, यानी कि मजदूरी जो भी है। पारिवारिक की वार्षिक आय कितनी होती है वो डालेंगे, कि साल में कितना कमाते हैं। आपके घर में किसी भी परिवार को कोई भी सरकारी नौकरी है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं पर वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। जो भी इस तरीके से यहाँ पर डाल देंगे, अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो उनका पूरा डिटेल भी आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर जो है सेव करते जाना, ठीक है। उनके बाद नीचे आएंगे तो संगठन विवरण वाला फॉर्म मिलता है, इसमें भी आपको पूरा डिटेल देना होगा, जैसे कि कोई भी संस्था का यहाँ पर आपको विवरण देना होगा। आपने कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा अगर आपने कोई भी यानी कि किसी भी कंपनी में कोई भी काम वगैरह किया या फिर एक्स्ट्रा कोई भी आपने किया है तो उनका आपको यहाँ पर पूरा डिटेल डालना होगा, और वो क्या है यानी कि पार्टनरशिप है या फिर LLP है अथवा PBT जो भी है जिस कंपनी में किया है पूरा डिटेल आपको यहाँ पर दे करके पूरा फिलअप करके सेव करना होगा। उनके बाद यहाँ पर देखिए आवेदक का इकाई का प्रमोटर डायरेक्टर पार्टनर जो रहे तो जो भी आप उनका इस तरीके पूरा डिटेल डाल करके आपको यहां पर जोड़ना होगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर सेव करते जाएंगे। उनके बाद आता है परियोजना का विवरण। यहाँ पर परियोजना का विवरण में यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर पूरा सूची आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सूची के लिए यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा, हमने आपको बताया किस टाइप का आप यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी बहुत सारे नाम आ जाएंगे जैसे कि चमड़े जूता का निर्माण जो भी आप करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर देख करके उनके बाद आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपने कौशल का प्रशिक्षण लिया है, लिया है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं वाले ऑप्शन पर आपको टिक ही रहने देना है। प्रशिक्षण का नाम क्या था वो डालेंगे, वर्ड्स, कौन सा ट्रेड था आपका, अवधि आपने कितने दिन में कंप्लीट किया वो भी आपको यहां पर डालना होगा। उनके बाद यहां पर देखिए पूछ रहा है क्या जमीन श्रेट का पहचान हो गया, यानी कि किस जगह आप यहां पर बिजनेस लगाना चाहते हैं। अगर आप यहां पर हां करते हैं तो आपको यहां पर देखिए बताया गया कि आपको जमीन का विवरण देना होगा, नहीं तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगले चरण में भी आपको डिटेल देना होगा। तो यहाँ पर देखिए जमीन वाले ऑप्शन पर हाँ करते हैं तो भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में डालेंगे कि इतने इतने जगह पे हम यहाँ पर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पता डालेंगे, एरिया, पिन कोड जो भी है आप यहाँ पर डालेंगे। उनके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब उनके बाद यहाँ पर देखिए पूंजी के बारे में यहाँ पर बताया गया, तो ये वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं कि वित्त विवरण वाला, तो यहाँ पर देखिए सरकार आपको 10 लाख रुपए तक लोन देती है, जैसे कि आप कहाँ पर लागत 5 लाख ही लगा है, ठीक है। अगर आप कहाँ पर 5 लाख ही जगह लगा, ठीक है, सपोज 5 लाख अगर आपने लागत लगाया है तो 5 लाख ही आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि 5 लाख में आपका 2.5 लाख माफ हो जाएगा और 2.5 लाख ही आप यहाँ पर चुकाने होंगे। तो जितना आपका लागत है उतना ही आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर देखिए क्या आपका यहाँ पर देख पा रहे कि भवन दुकान किराए पर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा डिटेल देना होगा, आप यहाँ पर डाल देंगे। उनके बाद बैंक वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर देख पा रहे आपको बैंक का डिटेल देना होगा, बैंक का नाम क्या है, शाखा, खाता का प्रकार, FC कोड, खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर डालेंगे, और यहाँ पर आपका जो चेक होगा वो चेक का ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कि समझाया गया है। उनके बाद नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगने वाला है वो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में देखिए बताया गया कि जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक या फिर 10वीं का प्रमाण पत्र लगने वाला है, इंटरमीडिएट का आपको लगने वाला है। उनके बाद मैट्रिक का जो भी आपका योग्यता प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपलोड करना होगा, आवासीय प्रमाण पत्र, और जो भी आपका इकाई संस्था का प्रमाण पत्र है वो भी लगेगा, ठीक है। आपका पैन कार्ड है वो भी अपलोड करना होगा, जमीन का जो भी रसीद दें या फिर पट्टे का दस्तावेज वो भी आपको यहाँ पर लगने वाला है कि किस जगह आप यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कौशल का कोई भी प्रशिक्षण लिया है तो आप यहाँ पर उनका भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, चेकबुक यानी कि चेक आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, उनका भी यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, एक प्रोफाइल फोटो आप यहाँ पर डालेंगे, और जो भी आपका सिग्नेचर होगा हस्ताक्षर का वो भी आपको यहां पर अपलोड करना होगा। इतना चीज डालने के बाद यहां पर सबमिट करेंगे तो पूरा डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाएगा कि आपने अब तक में क्या क्या फॉर्म भरा। अगर आपको गलती लगता है तो आप यहां पर एक बार चेक कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। उनके बाद यहां पर सबमिट करेंगे तो आपके यहां पर फाइनली सबमिट हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको यहां पर जो रजिस्ट्रेशन करना होगा। सो इसी तरीके से आपको यहां पर जो युवा उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, क्वेरी है, तो आप लोग हमें नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।